हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम सीखेंगे फाइव सेंस ऑर्गन्स उर्दू हिंदी टू इंग्लिश वोकैबुलरी। इस वीडियो के देखने के बाद आप सेंस ऑर्गन्स इंग्लिश में बोलना सीख जाएंगे। और हाँ, इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा क्योंकि इसके आखिर में एक बहुत अहम सवाल पूछा जाएगा। उम्मीद है आप सबको उसका जवाब आता होगा। अगर आपको उसका जवाब मालूम हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट लाजमी कीजिएगा। आईज यानी आंखें, सेंस ऑफ साइट देखने की हिस, हैंड्स यानी हाथ, सेंस ऑफ टच छूने की हिस, ईयर्स यानी कान, सेंस ऑफ हियर यानी सुनने की हिस, टंग यानी जुबान, सेंस ऑफ टेस्ट चखने की हिस, नोज यानी नाक, सेंस ऑफ स्मेल सूंघने की हिस, आईज यानी आंखें देखने की हिस। वी हैव टू आईज, हमारी दो आंखें हैं, राइट आई सीधी आंख, लेफ्ट आई उल्टी आंख। हमारी आंखें देख सकती हैं, आर आईज कैन सी। हैंड्स यानी हाथ, सेंस ऑफ टच छूने की हिस। We have two hands, हमारे दो हाथ होते हैं, right hand यानी सीधा हाथ, left hand यानी उल्टा हाथ। Our hands can touch, हमारे हाथ छू सकते हैं। Ears यानी कान, sense of hear सुनने की हिस। We have two ear, right ear सीधा कान, left ear उल्टा कान। Our ears can hear, हमारे कान सुन सकते हैं। टंग यानी जुबान, सेंस ऑफ टेस्ट चखने की हिस। वी हैव वन टंग, हमारी एक जुबान होती है। आर टंग कैन टेस्ट, हमारी जुबान चख सकती है। नोज यानी नाक, सेंस ऑफ स्मेल सूंघने की हिस। वी हैव वन नोज, हमारी एक नाक होती है। आर नोज कैन स्मेल, हमारी नाक सूंघ सकती है। तो फ्रेंड्स, आपको बताना है कि हमारी एक सिक्स सेंस होती है, आपको उसका नाम बताना है। क्या आपको उसका नाम पता है? अगर पता है तो कमेंट बॉक्स में आंसर करें।